आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में 30 एजेंडा आइटम थी, जिसमें हमने 14 पे निर्णय लिए और 16 आइटम ऐसी हैं जो उनपे कुछ जांच की जरूरत थी या कुछ अधिकारियों को टाइम किया था, वो 16 हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखी है। इसके अलावा जिला कष्ट निवारण की समिति की बैठक में कुछ डायरेक्ट लोगों ने आज ही एप्लीकेशन दी है, उन पर मैंने जाँच के लिए और उनकी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि आम व्यक्ति की समस्याओं का हम निराकरण कर सकें और उनकी समस्या को सुलझाने का काम कर सकें। डॉक्टर जैन करके जो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ मैंने FIR की एस पी साहब को बोल दिया है, क्योंकि वो एक 28 साल की जवान लड़की जिसके 2 मासूम बच्चे हैं, एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और लापरवाही भी ऐसी जिसके लिए वो हॉस्पिटल है ही नहीं। फैमिली प्लानिंग का उसने ऑपरेशन कराना था और वो औरतों का हॉस्पिटल है, उन्होंने उसको फैमिली प्लानिंग के लिए जब अपने पाँव से चल के आई स्वस्थ लड़की थी और वो बाद में 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई, वो भाई या मानवीय है। मैंने कहा कि इसकी जांच करें और दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करें। मैंने अभी उसे रिटर्न में शिकायत ले ली है, क्योंकि यहाँ के जो बोर्ड है उसके ऊपर से यहाँ के लोकल लोगों का विश्वास नहीं है, और मैं दिल्ली हेल्थ और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर कोई हरियाणा लेवल का कोई ऐसा बोर्ड या हमारे डायरेक्टर हेल्थ या इस लेवल के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से उसकी इंक्वायरी कराने का काम करूँगा, और जो लोग दोषियों को बचाने में यदि जांच में कहीं हेल्पफुल रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं डिपार्टमेंट की कार्रवाई के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा करूँ। सर, अमित शाह हरियाणा में आए, अब आपकी पार्टी इलेक्शन बोर्ड में है। हमारी पार्टी नहीं है, आज केवल लगभग 300 दिन लोकसभा चुनाव में बचे और 2019 का मिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लेकर चले हुए हैं। 2019 के अंदर NDA की सरकार संपूर्ण बहुमत से बने, जो पिछले 10 साल कांग्रेस के समय में भूख भय और भ्रष्टाचार का राज था, उसके प्रति आज भी जनता के अंदर रोष है, आक्रोश है। और 4 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, हर वर्ग के लिए विकास कार्यों का हमने शुरुआत की है। ये प्रजेंद्र सिंह, आपने पंजाब राज्य सभा की काफी मांग की थी, पुष्टि हो गई थी, आपने बुलाया था पंजाब राज्य सभा की काफी पुष्टि हो गई थी, उसने 90,000 की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर जाती मार ली, इनके खिलाफ और भी पत्ते बदल गए इसमें कहीं भी पैसे दिए मकानों के लिए अप्लाई किया था, नक्शा पास में कौन से लिए था, इसने ओवर वैल्यू करवा रखी, आप किसी भी अधिकारी को भेजिए इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दोबारा करवा सकते हैं। अगर नक्शा पास नहीं होता था तो आपने पहले पैसे देने नहीं थे, मेरी और भी प्रॉपर्टियां वो ले लेते। जब इसने जिस फ्लैट में आप सुनों की बात है उस नक्शा पास में आप सुनों कैसे समझ सकते हैं? ये कह रहे जब मैं सब पास नहीं था तो मेरे बारे में क्यों लिए, मेरे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे, आपने एडवांस सिक्योरिटी क्यों नहीं मांग रहे इसी? मैंने कुछ कराया नहीं सर, मैं सिर्फ एप्लीकेशन दिया, आज तक ना मेरे पास कुछ है इसका, इसे अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाई हुई है वकील से, वो वैल्यू से मर्जी से मेरे क्या कुछ थे उनको किलो को पैसे देने की। मैंने CM मिंटो में दी थी तो जब भी इन्होंने अपने आप ही लिखवा के डिस्पोज